प्रदेश की भाजपा सरकार अपने 6 महीने पूरे होने पर पूरी फॉर्म में आ गई है। सरकार ने आज कुरुक्षेत्र में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आक्रामक रवैये से के संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा है कि गुड़गांव के सेक्टर 83 में जारी सभी लाइसेंस की जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही भाजपा केंद्र में 1 साल और प्रदेश में 6 महीने पूरे होने पर जश्न मनाने जा रही है। शुक्रवार दिन भर चली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा के तमाम दिग्गजों ने कई मुद्दों पर चिंतन मंथन किया, जिसमें लैंड डील का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। भाजपा के सभी नेताओं ने रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील पर निशाना साधा। हालांकि सीएम ने साफ कर दिया कि गुड़गांव के सेक्टर 83 में जारी किए गए सभी लाइसेंस की जाँच होगी। सरकार अनियमितता पाए जाने पर किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम ने कहा कि जाँच के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। जस्टिस ढींगड़ा 6 माह में रिपोर्ट देंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर वैट में कटौती से राहत के सवाल पर सीएम ने कहा कि इस विषय में योजना बनाएंगे। देखिए, जो जुडिशियल कमीशन हमने जस्टिस ढींगड़ा को उसका अध्यक्ष बनाया है, प्रमुख बनाया है, वो जितना भी सेक्रेटरी 3 के गुड़गांव के जो जमीन जिसके लाइसेंस दिए गए उसके हमको शिकायतें मिली काफ़ी जगह से, तो उन शिकायतों को आधार मान करके और एक जुडिशियल कमीशन बैठाया है। अभी ये वो तय करेंगे अपने आप के रेफरेंसेस जो होंगे, किस प्रकार से वो करेंगे, कब शुरू करेंगे, लेकिन ये तय किया कि उनकी पहली सिटिंग से और 6 महीने के अंदर वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट दें ताकि आगे कार्रवाई हो सके, ऐसा उनका रेफरेंस है। भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार का 1 साल और प्रदेश सरकार के 6 माह पूरे होने के बहाने भाजपा जश्न मनाने की तैयारी में है। इसके चलते संगठन में जोश भरने की योजना है। इस कड़ी में करनाल में बड़ी जनसभा रखी गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विशेष रूप से आएंगे। कुल मिलाकर भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाने के बाद पहली बार आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अगला रोडमैप तैयार किया। कुरुक्षेत्र से कमल मिड्ढा के साथ कौमिता मिन्हास, DN नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।